करते हैं यहाँ पर रथ वाली मूर्ति की। तो ये रहा रथ वाली मूर्ति। चलो रथ वाली मूर्ति दिखाते हैं आपको। बढ़िया सा लुक लग रहा है, काफ़ी अच्छा लुक है यहाँ का औंधी गाँव में। और शेर भी बहुत ही बढ़िया है, राक्षस है यहाँ पर, देख सकते हो कितना अच्छा दांत है। पतंजलि का टूथपेस्ट यूज़ कर रहा है ये रहा गैस का, अभी फिलहाल पूरा पकाया जा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस खूबसूरत नज़ारे पर अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ औंधी गाँव पर। पीछे देख सकते हो कितना बढ़िया हरियाली नज़र आ रही है। तो औंधी गाँव पर अभी फिलहाल मैं व्लॉग शूट करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर का दुर्गा मूर्तियाँ देखने के लिए आए हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पर मूर्तियाँ भी बनाए जाते हैं। तो अभी फिलहाल बस जस्ट यही रोड में ही यहीं पर हम वीडियो स्टार्ट कर रहे थे, तो आप लोग को खूबसूरत नज़ारे थे, तो हम सोचे कि यहीं पर ही वीडियो स्टार्ट करते हैं आप लोग के लिए। काफ़ी बढ़िया नज़ारे हैं गाँव का। सो अभी फिलहाल मैं चलता हूँ औंधी गाँव में और देखते हैं किस तरीके से मूर्तियाँ अभी फिलहाल तैयार चल रहा है, मैकिंग चल रहा है, उसका काम पूरा चल रहा है। तो बस यहाँ से बस 50 मीटर ही है गाँव, तो चलते हैं जल्दी से जल्दी देखते हैं। और हमारे चैनल पर नए हो गाइस और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लो ताकि नई नई वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। चलो चलते हैं अभी फिलहाल गांव के अंदर। ये देख सकते हो ग्राम औंधी का यहां पर बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर अभी फिलहाल ग्राम औंधी स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस अभी फिलहाल मैं बल्ला चक्रधारी के घर के पास ही खड़ा हुआ हूँ और ये कुछ नज़ारे जो हैं बल्ला चक्रधारी के घर के पास है। तो सबसे पहले हम मूर्ति की बात करते हैं, तो कुछ पेंटिंग नहीं हुआ है, कुछ काम चल रहा है, वो मूर्ति देखते हैं, उसके बाद आपको पेंटिंग वाला मूर्ति दिखाएंगे धीरे धीरे। यहाँ पर नव दुर्गा भी माता का मूर्ति बनाए गए हैं, पूरा नव दुर्गा मूर्ति अलग अलग बनाए गए हैं छोटे छोटे रूप में अलग से, काफ़ी सुंदर सा लग रहा था, वो भी मूर्ति दिखलाने वाले हैं, तो वीडियो क्लास तक जरूर बने रहना। यहाँ पर है बल्ला चक्रधारी का बोर्ड और ये भी इनका ही रूम है और ये भी इनका। चलो चलते हैं अंदर की ओर और देखते हैं मूर्ति यहाँ पर। बल्ला भाई काम होगा, सो पुट्टी उट्टी लगा था उसका भाई, पुट्टी उट्टी लगा थे, बहुत बढ़िया मूर्ति बने, सबसे बढ़िया बड़े। और यहाँ पर वाले रूम में सारे मूर्ति है जो भी, काफ़ी बड़े बड़े मूर्ति ही है यहाँ पे, छोटे मूर्ति नहीं है। तो बात करते हैं यहाँ पे मूर्ति के, तो ये जो लास्ट में बने काफ़ी सारे पैर भी बने और काफ़ी सारे सिर भी बने हैं। यहाँ पर नौ दुर्गा माता का भी काम अभी फिलहाल पेंडिंग पड़ा है, चलेगा धीरे धीरे इसका भी काम चलेगा। और ये वाला मूर्ति देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत सा मूर्ति बना है, जो कि ऊपर में त्रिशूल बनी हुई है, पुट्टी का काम पूरा लगभग लगभग पूरा हो चुका है कुछ इस तरीके से, काफ़ी सुंदर सा यहाँ पर फेस कट वगैरह भी बनाए गए हैं और लगभग लगभग ये तो पूरी तैयारी हो चुकी है, पुट्टी का काम भी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर ये मूर्ति देख सकते हो राक्षस के साथ है, बब्बर शेर है और ऊपर माता रानी है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया से लग रहा है, काफ़ी सुंदर सा पुट्टी के काम ही आपको देखने को मिलेगा और जितना भी जो कलर हो गया है वो उस रूम पर मिलेगा। ये मूर्ति की बात करें काफ़ी बड़ी मूर्ति बन रही है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से, काफ़ी सुंदर सा मूर्ति है, ऊपर में शेर है और शेष नाग के साथ, पांच शेष नाग है, ऊपर शेर है, काफ़ी बढ़िया बैकग्राउंड भी लग रही है इस मूर्ति का, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड बन रही है। फिर जस्ट सामने पर यहाँ पर बब्बर शेर है और कई सारे सांप बने हुए हैं, यहाँ पर पूरे सांप बने हुए हैं, पेंटिंग के बाद और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, बहुत ही बढ़िया लगती है पेंट होने के बाद। और ये देख सकते हो माता रानी के कुछ इस तरीके से सिंगार उंगार, अभी आँख वाँख किसी भी चीज़ का नहीं बनाए गए हैं। ग्राउंड में कई सारे सांप है, शंकर जी है, शेष नाग है, सांप ही सांप पूरे तरफ है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर और मूर्तियाँ। तो यहाँ पर अभी फिलहाल राक्षस है और भैंसासुर और ये हुआ है शेर और उसके ऊपर है माता रानी। करते हैं यहाँ पर रथ वाली मूर्ति की, तो ये रहा रथ वाली मूर्ति। चलो रथ वाली मूर्ति दिखाते हैं आपको, ये माता रानी रथ पे बैठी है, ऊपर रथ है, ये पूरा इस तरीके से रथ बनी हुई है। और यहाँ पर गणेश जी होगा या कार्तिक होगा, दोनों में से एक ही हो सकता है यहाँ पे, जो कि रथ चला रहा है और माता रानी कुछ इस तरीके से बैठी हुई है। अगर यहाँ पर भैंसासुर है, राक्षस है और शेर भी है और माता रानी कुछ इस तरीके से है, काफ़ी बढ़िया सा लुक लग रहा है, काफ़ी अच्छा लुक है यहाँ का औंधी गाँव में, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाए जाते हैं यहाँ के जो कलाकार हैं। माता रानी का चेहरा देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मुकुट भी बन गया है, बैकग्राउंड में की बात करें तो काफ़ी सुंदर सुंदर बैकग्राउंड है इस तरीके से। और शेर भी बहुत ही बढ़िया है, राक्षस है यहाँ पर, देख सकते हो कितना अच्छा दांत है, पतंजलि का टूथपेस्ट यूज़ कर रहा है ये। भैंसासुर के साथ शेर भी है और राक्षस भी है और यह माता रानी है, काफ़ी बढ़िया विराट रूप में लग रहा है ये त्रिशूल मारते हुए,
इस तरीके से मूर्ति बनेगी। लास्ट में एक मूर्ति साइड में था, नीचे बढ़िया इनके पैर रखने के लिए बना है, सोफे बढ़िया और एकदम शांत रूप में बनेगा। पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हो काफ़ी बढ़िया सा बन रहा है। अभी गैस से पूरा पकाए जा रहे हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। ये रहा गैस से अभी फिलहाल पूरा पकाया जा रहा है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रही है जिससे क्या सूख नहीं पा रही है मूर्ति, इसलिए अभी फिलहाल गैस से पूरा सुखाया जा रहा है मिट्टी को, और ताकि कोई दिक्कत मत हो बाद में, है ना। मूर्ति काफ़ी विराट बहुत ही बड़े रूप में बन रही है, बहुत ही ज़्यादा हाइटेड मूर्ति है ये, देख सकते हो। और पांच यहाँ पर शेर बने हुए हैं, ये देख सकते हो, तीन शेर और वो दो शेर, पांच शेर है और उसके साथ ये मूर्ति है, ये देख सकते हो मूर्ति का। अभी ऊपर चेहरा वाला बहुत ही ज़्यादा क्लीन लग रहा है। अभी फिलहाल पुट्टी का काम भी अभी लगभग हुआ नहीं है बारिश के कारण से, अभी फिलहाल मूर्ति को अंदर किया जा रहा है। मूर्ति का फोटो आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से मूर्ति का फोटो है, और ये रहा मूर्ति, ये रहा मूर्ति इस तरीके से। ऊपर में शेर बना हुआ है काफ़ी बढ़िया, अभी अंदर कर रहे हैं इसलिए फिलहाल बराबर से अभी अंदर करते जा रहे हैं। और रही बात यहाँ पर, तो ये रहा शेर, ये रहा पहाड़, पहाड़ के ऊपर शेर है और शेर के ऊपर गणेश जी बैठे हुए हैं शेर के ऊपर, और माता रानी यहाँ पर फूल तोड़ रही है। इसका फोटो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से लुक बनेगा। अभी फिलहाल पीछे पेड़ वेड़ भी बनाए गए हैं, ये देख सकते, इसका बाल काफ़ी यूनिक है, मैं ध्यान नहीं दिया था, देख सकते हो बाल है ये, बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा मूर्ति है ये। मौसम देखो गाइस, काफ़ी बढ़िया सा मौसम बन गया है अभी फिलहाल। अभी फिलहाल अंदर चलते हैं और आपको जहाँ पर पूरी मूर्ति तैयार हो चुकी है, पेंटिंग हो चुका है, वो मूर्ति अभी फिलहाल आप लोग को दिखाते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर नौ दुर्गा है और यहाँ पर भी अंदर में अभी फिलहाल मिट्टी का काम चल ही रहा है धीरे धीरे। बात करते हैं यहाँ पर मिट्टी का काम चल रहा है गाइस, काफ़ी सुंदर सा यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है, माता रानी कितनी खूबसूरत लग रही है देख सकते हो। अभी फिलहाल मिट्टी का काम चल रहा है यहाँ पर, इस तरीके से पकाए जा रहे हैं, वहाँ तो गैस से पकाया जा रहा था, यहाँ पर अभी फिलहाल सिगड़ी उगड़ी से पकाए जा रहे हैं, देख सकते हो कोयले से, गर्म कोयले को रख दिए गए हैं ताकि पक जाए जल्दी से मूर्ति। अभी फिलहाल यहाँ पर राक्षस है ना, इस तरीके से लेटा हुआ है, ये रहा शेर और ये रहा भैंसासुर, माता रानी इस तरीके से। अभी फिलहाल ये अभी मैं जस्ट आया तो इसका हाथ का काम जो चल रहा था, उसके बाद चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं अंदर की ओर, थोड़ा पेंटिंग वाला मूर्ति आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये वाला मूर्ति दिखाते हैं आपको, ये वाली मूर्ति जो है छत्तीसगढ़ मतारी का मूर्ति बनेगा ये, और काफ़ी सुंदर सा ये मूर्ति बनने वाली है। और ये जो है पलंग बैठी खटिया बोलते हैं जिसको छत्तीसगढ़ी में, तो ये पूरा निवार लगेगा और काफ़ी अच्छा सा खटिया बनेगा। ये देखो गाइस काफ़ी सुंदर सा ये मूर्ति है, इसके पीछे भी त्रिशूल बना हुआ है और बैकग्राउंड की काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है और काफ़ी बढ़िया बैकग्राउंड है। यहाँ पर शेर बने हुए हैं, यहाँ पर शेर बना हुआ है, इसके मुंह में कपड़े लगे हुए हैं अभी फिलहाल, और सोफे में बैठे तो अच्छा से बैठे हुए हैं माता रानी, काफ़ी खूबसूरत सी मूर्ति है। यहाँ पर शेर के ऊपर अभी फिलहाल माता रानी बैठी हुई है इस तरीके से, काफ़ी खूबसूरत थी माता रानी, फेस कट काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल, पेंटिंग होने के बाद और ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो यहाँ पर थोड़ा पेंट हो चुका है, लगभग 5% 10% पेंटिंग हो चुका है। ये रहा माता रानी ऊपर से इस तरीके से, अभी आँख वाँख नहीं बना हुआ है। ये रहा राक्षस टिकट मूर्ति, यहाँ पर पेंटिंग वाली बात करें तो यहाँ पर ये शेर है, काफ़ी प्यारा सा छोटा सा शेर है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड और बहुत अच्छे लुक में बैठे हुए हैं माता रानी। और ये एक सोफे की तरह बना है, इसको आसन बोलते हैं, आसन काफ़ी अच्छा आसन बना हुआ है माता रानी के लिए, काफ़ी बढ़िया लगेगा ये जब पूरा इसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो, इसलिए अभी फ़िलहाल ये देखो ये काफ़ी सुंदर पेंटिंग हुआ है अभी फ़िलहाल, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। तो ये वाली मूर्ति की बात करें तो काफ़ी अच्छा सा अभी फ़िलहाल पेंटिंग हो चुकी है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये मूर्ति, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो ये जो है इनके मुकुट है, काफ़ी बढ़िया अभी गोल्डन कलर में होने वाली है। और ये रहा शेर इनके साथ, माता रानी तलवार लेके बैठी हुई है, और ये पेंटिंग होने के बाद बहुत बढ़िया लगेगा। इसको एक चौड़ा सा बैकग्राउंड बनाया है, चौड़ा सा है ये, कोई गोलाई नहीं है, बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड भी दिए हैं इस मूर्ति के। देखो कितना अच्छा शेर बना हुआ है गाइस, इधर भी बना हुआ है, दोनों ओर बना हुआ है, नीचे पैर रखने के लिए आसन बना हुआ है, बैठने के लिए आसन बना हुआ है, काफ़ी अच्छा ये भी बैकग्राउंड है, बहुत ही बढ़िया सा ये, कुछ यूनिक कलर लग रहा है देख सकते हो आप, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये यूनिक सा। और पीछे चंद्रमा टाइप में बना हुआ है, पीछे से सूर्य का रोशनी आ रहा है इस तरीके से, और माता रानी को कुछ ग्रीन कलर में ही शायद, ऐसी ग्रीन कलर में ही रहेगा शायद ये माता रानी। करते थोड़ी पेंटिंग वाली मूर्ति की, यहाँ पर शेर बैठा हुआ है काफ़ी बढ़िया सा, और शेर के ऊपर माता रानी बैठी हुई है देख सकते हो कुछ इस तरीके से, काफ़ी सिंपल सा और काफ़ी बढ़िया सा मूर्ति है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रही है। ये रहा माता रानी, ये भी अभी फिलहाल पर्दा हटाया था तब जाके माता रानी को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक मूर्ति है और यहाँ पर एक मूर्ति है जो कि काफ़ी अच्छे से पैकिंग हुई है, इसलिए अभी फिलहाल इसको खोल नहीं पा रहा हूँ,
ये मूर्ति की पैकिंग नहीं हुई थी अच्छे से, इसलिए दिखा पाया हूँ। ये पूरा पैक कर दिए गए हैं क्योंकि लगभग लगभग इसका पेंटिंग तैयार हो चुका है, कुछ कुछ सिंगार का बचा हुआ है इसलिए अभी फ़िलहाल बंद कर दिए। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ये भी एक माता रानी है यहाँ पर, ये वाली भी माता रानी है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहाँ पर मूर्ति बनाए गए हैं, नव दुर्गा का है ये माता रानी। बात करते हैं यहाँ पर फिर से, ये वाली माता रानी है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये वाली माता रानी है एक, और इनका पीछे पूरा पैरा वगैरह रखा हुआ है अगली बार मूर्ति बनाने के लिए, स्टॉक में रखना पड़ता है ये सब चीज़। और ये वाली माता रानी लास्ट माता रानी है, ये पूरा नव दुर्गा का माता रानी है। काफ़ी खूबसूरत सी मूर्तियाँ रहेगी इस वर्ष इस तरीके से। तो गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पर जब मूर्ति था, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत मूर्ति यहाँ पर बनाए गए हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया भी मूर्ति बनाए गए हैं यहाँ पर। तो बात करें हैं यहाँ पर नव दुर्गा की, नव दुर्गा भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये मूर्ति कहाँ जाने वाली है ये भी आप लोग को बता देता हूँ आज। ये मूर्ति जाने वाली भिलाई तीन उमदा, ऐसा कुछ उमदा जाने वाली है शायद, है ना। तो उमदा का यहाँ पर नाम बताया गया इसलिए आपको भी बता रहा हूँ कि नव दुर्गा जाने वाली है उमदा, काफ़ी खूबसूरत मूर्ति वाली होने वाली है। तो अगर ये मूर्ति देखनी है आपको तो भिलाई तीन उमदा जाना पड़ेगा आपको, और उमदा में आप जाकर देख सकते हो किस तरीके से यहाँ मूर्ति दिखेगी। सो अगर कहीं हम लोग को आते बनेगा नवरात्रि से पहले 26 से पहले, तो आपको यहाँ का मूर्ति जो है काफ़ी खूबसूरत पूरा पेंटिंग होने के बाद भी और अच्छे से दिखाने वाले हैं आपको, अगर आने मिल गया हमको तो चांस। तो आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि नई नई वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बने रहे।